हेलो, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ असलम। सो टुडे वी विल लर्न अबाउट डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर इन इंडिया एंड तो चलिए शुरू करते हैं। HEC2M बेसिक जो पहले के इसका एक पार्ट और आ चुका है, अगर आपने नहीं देखा तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो HEC2M बेसिक कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का प्रभाव एडवांस तो 1940 के दशक में डिकेड के अंतिम वर्षों लास्ट ईयर में ही हो गया था, ठीक है। लेकिन भारत में अपना पहला कंप्यूटर वर्ष 1956 में 10 लाख रुपए में खरीदा था, जिसका नाम HEC2M था तथा इसे कोलकाता में स्थित इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में रखा गया था, ठीक है। इस कंप्यूटर की ने योजना आयोग प्लानिंग कमीशन की वार्षिक पंचवर्षीय योजना और पूर्ण फॉर्मुलेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कंप्यूटर भारत की आगे पीढ़ी के कंप्यूटर के डिज़ाइन में भी उपयोगी साबित हुआ, ठीक है। तो पहला कंप्यूटर भारत का HEC2M है, जो कि इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में कलकत्ता में आया था, 10 लाख रुपये में खरीदा था, 1956 में आया था बस, ठीक है। और टाइफ्रैक भारत का प्रथम ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर है था, जिसका पूरा नाम टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंडेशन रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर है। इस मशीन को पहली बार 1955 में शुरू किया गया। 1960 में से तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उसका नाम टाइफ्रैक रखा, परंतु पूर्ण रूप से इस मशीन का उपयोग 1965 में किया गया। तो सीधा है कि भारत में प्रथम ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कैलकुलेटर जो जिसका नाम है टाइफ्रैक, जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंडेशन रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर में, इसका मतलब टाटा इंस्टीट्यूट ने बनाया था इसे, ठीक है। और वहाँ के जब भारत के प्रधानमंत्री थे तत्कालीन प्रधान जवाहरलाल नेहरू, तो उसका नाम टाइफ्रैक रखा था बस, ठीक है। और सिद्धांत भारत में पहला निर्मित कंप्यूटर है, तो सिद्धार्थ तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि भारत में पहला निर्मित कंप्यूटर कौन सा है, सिद्धार्थ है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 1967 में किया गया, ठीक है। 1967 में इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया। इस कंप्यूटर में सर्वप्रथम सिलिकॉन से बनी चिप का उपयोग किया गया था, ठीक है। परम, फिर इसके बाद आया परम। अमेरिका द्वारा भारत को क्रे कंप्यूटर देने से इंकार करने के बाद 1980 में अंत तक भारत सुपर कंप्यूटर का कार्यक्रम शुभारंभ हुआ, ठीक है। सुपर कंप्यूटिंग के क्षेत्र में आत्मनिर्भर सैटेलाइट प्राप्त करने के पर्पज से 1988 में सीडेक सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग की स्थापना की गई। परम देखो सीडेक हो गया था, सीडेक तक हो गया था, तो परम पुणे स्थित सीडेक द्वारा डिज़ाइन था ये परम 8000 सीरीज। कब से लॉन्च हुआ था ये 1951 में हुआ था, ठीक है। अभी जो लेटेस्ट है वो परम युवा 2 है, ठीक है। 532 फीट पर फ्लॉट तक चलता है, ठीक है। और ये क्रे कंप्यूटर जो अमेरिका ने भारत को देने से मना कर दिया था, तो भारत ने शुरू कर दिया बनाना, ठीक है। परीक्षा तत्सार प्रथम अंकीय कंप्यूटर का ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान है चार्ल्स बेबेज का। किसका योगदान है? चार्ल्स बेबेज का योगदान है ब्लूप्रिंट में, ठीक है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का आविष्कार एनीवेक, एडेसेक, एडवेक और यूनिवेक हैं, ठीक है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के अतिरिक्त इंटरनल के रूप में प्रयोग किया जाता है वो मैग्नेटिक ड्रम किया जाता है। प्रथम पीढ़ी में जो इंटरनल मेमोरी के रूप में उपयोग किया जाता था वो मैग्नेटम ड्रम किया जाता था, ठीक है। प्रथम पीढ़ी के में प्रोग्रामिंग की जाती थी मशीन और असेंबली भाषा में, ठीक है। मशीन भाषा 0 और 1 वैक्यूम ट्यूब हो गया, ठीक है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर आधारित थे वैक्यूम ट्यूब पर। प्रथम पीढ़ी के भंडार स्टोरेज पर हैं पंच कार्ड, ठीक है। और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और जब एक से अधिक कंप्यूटरों पर काम कर किसके आधार पर किया जाता है? टर्मिनल। टर्मिनल क्या है? विद्युत यांत्रिक हार्डवेयर है,
ठीक है। अब युवा परम दो क्या है, तो युवा परम दो एक सुपर कंप्यूटर है, ये तो सौ नॉर्मल है, ठीक है। तो ये टाइप ऑफ लॉट 500 से ज़्यादा टाइप ऑफ लॉट पे चला, ये पहला सुपर कंप्यूटर है भारत का जिसने 500, वो तो वैसे तो परम 8000 ही है, लेकिन जो 500 टाइप ऑफ लॉट से ज़्यादा चला तो वो ये है दो, ठीक है। कब आया है, 2012 में आया था। अब जो अभी नॉर्मल परम ईशान है जो 2016 में आया था, इसके भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है जिसने 1000 टाइप ऑफ लॉट पार कर लिया है, ठीक है। 1 टेराफ्लॉप। सीडैक क्या है, अभी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एडवांस कंप्यूटिंग नाम है इसका, और प्रदादित सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में भारत का राष्ट्रीय पहल है, ठीक है। मतलब जो ये सब आईटी क्षेत्र में काम करने के लिए एक भारत की राष्ट्रीय पहल है, ठीक है। इस केंद्र का मुख्य उद्देश्य है कि 100 मेगाफ्लॉप से भी अधिक उच्च परफॉर्मेंस वाले कंप्यूटर को डिज़ाइन और विकास करना और कमर्शियल स्तर पर उत्पादन करना, ठीक है। जो 100 मेगाफ्लॉप से ज़्यादा काम। समीर क्या है, समीर एक सोसाइटी फॉर फ्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रिसर्च माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग रिसर्च हो गया एवं सूचना प्रौद्योगिकी का डेवलपमेंट भारत सरकार द्वारा मुंबई में प्रयोगशाला समीर की स्थापना की गई थी, ठीक है। समीर कहाँ पे है, मुंबई में है, ठीक है। समीर मुंबई में है। 1984 में यहाँ पे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च भी मुंबई में है, 1970 में स्थापित किया गया था। और स्पेशल माइक्रोवेव प्रोडक्शन यूनिट है ये, ठीक है। माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रौद्योगिकी से सक्रिय है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का यूज़ करती है माइक्रोवेव, ठीक है। और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ कहाँ हैं, भारत में सॉफ्टवेयर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 1951 में कम्युनिकेशन सूचना मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भारत सरकार द्वारा भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना की गई थी, ठीक है। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर निर्धारित 3 आधारों पर वर्गीकृत किया गया है, एप्लीकेशन की वजह से, पर्पस क्या है उसका, और साइज पे, 3 पे किया गया, ठीक है। देख लेते हैं, ये दिया है पूरा। अब एप्लीकेशन कैसा है, तो एप्लीकेशन बेस्ड पे कि वो डिजिटल है तो डिजिटल, एनालॉग है तो एनालॉग, हाइब्रिड है मतलब, हाइब्रिड मतलब होता है कि डिजिटल एनालॉग दोनों, तो हाइब्रिड है, ऑप्टिकल है कि क्वांटम कंप्यूटर है। तो ये है 1, 2, 3, 4, 5 तरीके से बांटा जा सकता है, डिजिटल एनालॉग हाइब्रिड और ऑप्टिकल और क्वांटम कंप्यूटर, 5 तरीके से एप्लीकेशन बेस्ड पे कंप्यूटर का बात। और पर्पस एक जनरल पर्पस हो सकता है, स्पेशल पर्पस हो सकता है। और साइज पे तो साइज में 4 कर सकते हैं, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, ठीक है। तो ये सिंपल था। और एप्लीकेशन बेस्ड ये सब है, इसमें ये आगे पढ़ेंगे हम लोग। चलिए पढ़ते हैं यहाँ से, एप्लीकेशन बेस्ड। तो एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर के 5 प्रकार में विभाजित किया गया है, ठीक है। एक डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, ऑप्टिकल कंप्यूटर और क्वांटम कंप्यूटर, ठीक है। अभी तो बता चुके हम लोग। तो डिजिटल कंप्यूटर क्या है पढ़ लेते हैं। डिजिटल का अर्थ है अंक, ठीक है। डिजिटल अंकों की गणना करते हैं, डिजिटल कंप्यूटर अंकों की गणना कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। डिजिटल अंक डाटा की अथवा प्रोग्राम 01 के परिवर्तन उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप में ले लाते हैं। डिजिटल कंप्यूटर में सभी निर्देश इंस्ट्रक्शन के आंकड़े बाइनरी डिजिट के रूप में सुरक्षित होते हैं। एनालॉग कंप्यूटर क्या है, जो फिजिकल मेथड और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की सहायता से इलेक्ट्रिक सिग्नल में अनुरूपित किया जाता है, उसे एनालॉग कंप्यूटर किया जाता है, ठीक है।
जो एनालॉग कंप्यूटर है, जो किसी फिजिकल मेथड या राशि के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की सहायता से, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक सिग्नल देके किया जाता है, उसे एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, ऐसे एनालॉग कंप्यूटर ऐसा होता है। कंप्यूटर सूचनाओं के भौतिक रूप को स्वीकार करता है, जैसे तापमान हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर लगातार संकेत के रूप में सूचनाएँ मिलती रहती हैं, जिसे परिवर्तन आंकड़ों डाटाओं को रूप में प्रदर्शित करता है। स्पीडोमीटर, वोल्टमीटर, थर्मामीटर एनालॉग उपकरण डिवाइस है, ये एनालॉग। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर की स्मृति मतलब मेमोरी कम होती है, और इन कंप्यूटरों को 100% एक्यूरेसी नहीं मिलती। ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है? हाइब्रिड कंप्यूटर एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का एक कंबाइंड रूप है। ठीक है, इसका प्रयोग मेडिकल फील्ड के बड़े बड़े उद्योगों में, बड़े बड़े बिजनेस फार्मों में ECG मशीन में किया जाता है। ठीक है, ऑप्टिकल कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर जो डिजिटल गणनाओं कैलकुलेशन को संसाधित करने के लिए विजिबल लाइट और इंफ्रारेड बीम्स और फोटॉन्स का प्रयोग करता है, उसे ऑप्टिकल कंप्यूटर कहते हैं। उल्लेखनीय रिमार्केबल है कि पारंपरिक कंप्यूटर ट्रेडिशनल कंप्यूटर में गणनाओं कैलकुलेशन हेतु इलेक्ट्रॉनिक का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक की तुलना में कंपैरिजन में फोटोनों का प्रयोग उच्च बैंड ब्रेथ में भाग प्राप्त करने की मदद से फोटोनों कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, क्वांटम कंप्यूटर क्या है? क्वांटम मैकेनिक्स की पद्धति भी कार्य करने वाली क्वांटम कंप्यूटर है। क्वांटम परंपरागत कंप्यूटर ट्रेडिशनल कंप्यूटर की सूचनाओं को बाइनरी डिजिट में मिक्स करते हैं। ठीक है, कोडबद्ध कोडिफाई इन्हें संग्रहित स्टोर किया जाता है। ठीक है, 0 और 1 में, यह है क्वांटम कंप्यूटर की संरचना। ठीक है, 0 1 0 1 0 1 1 0 ये गेट हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल है। ठीक है, यह है क्वांटम कंप्यूटर। एक समान कंप्यूटर जनरल कंप्यूटर में प्रत्येक बिट एक स्विच होता है, जो तो ऑन होता है या ऑफ होता है। क्वांटम कंप्यूटर में वे स्विच ऑन या ऑफ होते हैं, साथ ही इनकी एक तीसरी अद्यतन सूचना सिचुएशन होती है, जिसमें एक साथ ऑन और ऑफ हो सकते हैं। ठीक है, एडिशनल विशेषता के कारण ही क्वांटम कंप्यूटर क्यू बिट के परमाणु में ट्रेडिशनल बिट की तुलना में अधिक सूचनाएँ कर सकता है, इनकोड कर सकता है। ठीक है, और बिट्स की क्षमता में, कैपेसिटी में ज़्यादा वृद्धि कर सकता है। क्वांटम अधिक तेज और शक्तिशाली होता है इसलिए। ठीक है, इसका पर्पस क्या है? अच्छा, पर्पस भी क्या है कंप्यूटर? एक तो जनरल पर्पस हो गया, एक स्पेसिफिक पर्पस हो गया। तो जनरल पर्पस क्या है? इन कंप्यूटर सामान्य प्रकार से कार्य करने की क्षमता होती है, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग से पत्र, लेटर और दस्तावेज करना, डाटाबेस, मतलब नॉर्मल जो कंप्यूटर हम लोग कर सकते हैं, स्कूल कॉलेज कार्यालय में जो करते हैं, वो जनरल बेस्ड होते हैं। स्पेसिफिक क्या होंगे? स्पेसिफिकली किसी काम के लिए होंगे। ठीक है, देखते हैं क्या है। जैसे फिल्म इंडस्ट्रीज में काम करना, एग्रीकल्चर, मेट्रोलॉजी, वॉर में, स्पेस साइंस में, तो स्पेशल टाइप के बनाए जाते हैं इनके लिए कंप्यूटर। अब परीक्षा के लिए कुछ इंपॉर्टेंट, द्वितीय श्रेणी के कंप्यूटर का उपयोग क्या किया? देखो, पहले ने क्या किया था? वैक्यूम ट्यूब। दूसरे ने क्या किया? ट्रांजिस्टर किया। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया? विलियम सॉकले। ठीक है, उन्हें शौक लग गया था, मजाक कैसे मतलब ऐसे याद कर सकते। कोबोल और फोटोन जैसी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं का विकास कौन सी कोबो दूसरी पीढ़ी की है? और मेमोरी के तौर पर चुंबकीय मैग्नेटिक टेप का प्रयोग हुआ, द्वितीय श्रेणी में हुआ। ठीक है, द्वितीय पीढ़ी में हुआ, सेकंड जनरेशन में हुआ। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट का थर्ड जनरेशन में हुआ, और इंटीग्रेटेड सर्किट का इन्वेंशन किसने किया? जैक किल्वी द्वारा किया गया। थर्ड कंप्यूटर का प्रयोग उच्च स्तरीय हाई लेवल लैंग्वेजेस में किया जाता है। इसमें तीसरी पीढ़ी के बड़े पैमाने में विकास हुआ ऑनलाइन सिस्टम का। ठीक है, ऑनलाइन सिस्टम तीसरी पीढ़ी में आया। तीसरी समाहित किया जाता है एकल चिप में, एक चिप में किया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया है, चौथी पीढ़ी में किया गया है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम MS-DOS पहली बार उपयोग किया गया किसमें? चौथी, फोर्थ जनरेशन में किया गया। भारत में निर्मित प्रारंभिक कंप्यूटर हैं परम कंप्यूटर, ठीक है, सुपर कंप्यूटर है, और एनालॉग डिजिटल की रूपांतरित स्थानांतरित करता है डिजिटलीकरण शब्द। सुपर कंप्यूटर का आकार बहुत बड़े पीढ़ और प्रोसेसिंग होती है। जैगुआर कंप्यूटर बनाया था क्रे ने,
ठीक है, ये अमेरिका का है, उनका जगुआर कंप्यूटर यही देने से मना कर दिया था भारत को, तो भारत ने अपना कंप्यूटर बनाने के शुरू किया, उसे परम 8000 बनाया था। ठीक है, और भारत का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर HMD भारत की सांख्यिकी से कोलकाता में स्थापित किया गया 1956 में किया गया था। ठीक है, 1976 में विकसित सुपर कंप्यूटर था, सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर कौन था, क्रेवन था। ठीक है, इसी के साथ साइज बेस्ड, हाँ ये भी कर लेते हैं, अभी साइज बेस्ड भी कर लेते हैं। ठीक है, साइज बेस भी कर लेते हैं, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। साइज बेस आकार के कार के आधार कंप्यूटर के 4 भागों में किया गया है, देखो माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर, ये बिल्कुल सीधा लगा, ये सबसे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर नहीं मतलब बड़ा उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, तो इसी तरीके से माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और माइक्रो कंप्यूटर, यह कंप्यूटर का आकार में छोटे होते हैं और इनका डेवलपमेंट 1970 के दशक में हुआ था और माइक्रो प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है, इसलिए माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं। यह वजन में हल्के और सस्ते होते हैं और इन कंप्यूटर का प्रयोग घरों और छोटे व्यवसायों में किया जाता है, इनको PC भी कहा जाता है। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर जो होता है वो एक माइक्रो कंप्यूटर होता है। ठीक है, PC भिन्न भागों में बांटा गया है, एक माइक्रो कंप्यूटर, देखो ये सब कितने भी जो अपने हाथों में देखते हैं, डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, पाम टैब मतलब टैब हो गया, या नोटबुक हो गई, या टैबलेट हो गए, तो ये सब क्या है, माइक्रो कंप्यूटर है। ठीक है, अब डेस्कटॉप क्या है, डेस्कटॉप कंप्यूटर एक निजी कंप्यूटर है या पर्सनल कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर का एक ही स्थान के रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सबसे पहला डेस्कटॉप किसने बनाया था, तो बनाया था हेवलेट पैकार्ड 900A था। ठीक है, 1968 में। ठीक है, डेस्कटॉप द्वारा बनाई गई फाइल हार्ड डिस्क में स्टोर होती है, कहाँ पे स्टोर होती है, हार्ड डिस्क में। डेस्कटॉप DIMM डुअल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल का उपयोग करते हैं। लैपटॉप एक पोर्टेबल निजी पोर्टेबल कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप का आविष्कार एडम आर्सवन ने किया था। ठीक है, लैपटॉप जो आज देखते हैं किसने आविष्कार किया था, एडम ऑसबोर्न ने किया था 1981 में किया था। ठीक है, लैपटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप का ब्लूटूथ और वाईफाई के द्वारा इंटरनेट से जोड़ा जा सकता है। सामान्यतः लैपटॉप कंप्यूटर की शक्ति बैटरी से द्वारा मिलती है, इसका प्रथम लैपटॉप सीको इप्सन कॉरपोरेशन द्वारा बनाया गया, इसमें LCD का प्रयोग किया गया था। पाम टॉप कंप्यूटर इस प्रकार का पोर्टेबल कंप्यूटर है, चूँकि हम आप पॉकेट में भी रख सकते हैं, इसे पॉकेट कंप्यूटर भी कहते हैं पाम टॉप को। पाम टॉप की क्षमता डेस्कटॉप कंप्यूटर लैपटॉप से कम होती है, इसका उपयोग ऑफिस में नहीं किया जा सकता। यह है पाम टॉप कंप्यूटर, बहुत छोटा सा, इसका आकार छोटा कम, और पहला पाम टॉप 1989 में। ठीक है, और IP पॉकेट PC अटारी पोर्टोफोलियो को प्रथम पाम टॉप कहा जाता है। ठीक है, अब नोटबुक क्या है, नोटबुक कंप्यूटर साइज़ में छोटा, वजन में कम, इसकी प्रोसेसिंग और स्टोरेज लैपटॉप की तुलना में कम होती है। नोटबुक का डिज़ाइन विशेष रूप से मूविंग स्टेज और वायरलेस नेटवर्क के इंटरनेट में उपयोग के लिए किया गया। टैबलेट क्या है, टैबलेट कंप्यूटर पतले और छोटे आकार के कंप्यूटर होते हैं, ये किताब के आकार के होते हैं, ये स्मार्टफोन का बड़ा साइज, इसमें एक वाईफाई नेटवर्क को सपोर्ट करता है, इसकी संग्रह क्षमता थोड़ी कम होती है। 1989 में प्रकाशित ग्रीपैड 1900 में पहला व्यावसायिक रूप में सफल टेम्पलेट कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर क्या है, मिनी कंप्यूटर आकार में माइक्रो कंप्यूटर के बड़े पैमाने में कंप्यूटर से छोटे होते हैं। मिनी कंप्यूटर वर्ड लेंथ में 32 बिट से अधिक होते हैं, मिनी कंप्यूटर बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक है, यह है मिनी कंप्यूटर। ठीक है, मिनी कंप्यूटर का प्रयोग पेरोल, अकाउंटिंग, वैज्ञानिक और IT में किया जाता है। डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन ने 1960 ने मिनी कंप्यूटर को विकसित किया था। ठीक है, और मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये कंप्यूटर बड़ी कंपनियों एवं कार्यालयों के सर्वर को कंप्यूटर के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, उनकी कार्य क्षमता मिनी कंप्यूटर
से बहुत अधिक होती है। इस कंप्यूटर पर एक साथ कई उपभोक्ता लॉगिन कर सकते हैं। इसकी स्मृति मेमोरी बहुत अधिक होती है। इस कंप्यूटर का माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग कहते हैं क्लाइंट के तौर पे किया जाता है। कुछ मेन फ्रेम कंप्यूटर नेम IBM और 1964 में पहला मेन फ्रेम कंप्यूटर IBM 360 लॉन्च हुआ जेम एम डाहल के द्वारा। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर, और इन्हें मेन फ्रेम कंप्यूटर का पिता भी कहा जाता है, जीन एम डाहल द्वारा। ठीक है, सुपर कंप्यूटर शब्द का प्रयोग पहली बार अमेरिका में 1929 में हुआ था। तब बाइनरी डिजिटल तकनीक वाले आज के कंप्यूटर की जन्म भी नहीं हुआ था, और उस समय यह सब सुपर कंप्यूटर और कैलकुलेटर बनाने के लिए अमेरिकी कंपनी IBM को एक ऐसे भारी भरकम और जटिल गणना या कॉम्प्लेक्स कैलकुलेटर की प्रशंसा में गढ़ा गया था, जिसे अपने समय में सबसे तेज गणना करता था। ठीक है, IBM का सुपर कंप्यूटर IBM ने बनाया था। ठीक है, सुपर कंप्यूटर शब्द का प्रयोग पहली बार अमेरिका में हुआ था 1929 में हुआ था। तब बाइनरी डिजिटल टेक्निक आने वाले के आज के कंप्यूटर का जन्म भी नहीं हुआ था, तब हो गया था। उस समय यह सब सुपर कंप्यूटर कैलकुलेटर बनाने वाली कंपनी IBM के एक ऐसी भारी भरकम कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर कैलकुलेटर की प्रशंसा के लिए गढ़ा गया था, जिसे अपना समय में सबसे तेज गणना कर सकता था। देखो, IBM की कैलकुलेटिंग मशीन थी, हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, तो उसी को वो करने में उसका यूज 1929 में अमेरिका में ये सुपर कंप्यूटर वर्ड को गढ़ा गया था। प्रत्येक वर्ष जून के माह में जारी हो लैपटॉप की 500 सूची, तो अपडेट वर्जन 2021 के अनुसार 5 वर्ष से जो अभी है पहले देखते हैं फकाकू, अब तो मतलब अमेरिका क्या आ गया है, तो ये 2021 की है, तो अब थोड़ा इम्पोर्टेंट नहीं है ये, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि अभी भी दूसरे नंबर पे है फकाकू जापान का, ये अब पहले नंबर पे आ गया समेट IBM अमेरिका का। ठीक है, तो बस ऐसे ही है। ये पूछ सकता है कि अमेरिका का सेरा है, ठीक है, चीन का कौन सा है, सनवे ताएहो लाइट है, और अमेरिका का ही परल्यूमिटर निवेडा है। ठीक है, इंडिया का कौन है, परम सिद्धि AI। ठीक है, और प्रत्यूष हो गया क्रेएक्स और मिही क्रेएक्स, तो ये तीन नंबर तीन है, तो सबसे ऊपर है परम सिद्धि। तो नोट 2020 में सुपर कंप्यूटर टॉप में दपोर्ट के आधार पर सर्वाधिक कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर किसके थे, चीन के, द्वितीय पे अमेरिका था, तो भारत के केवल 2 कंप्यूटर थे, तो चीन के 188 गति के अरब इसमें भारत का 22वां स्थान था। सुपर कंप्यूटर वर्तमान में सुपर कंप्यूटर के स्टाफ ऊंची ऊंची अलमारियों में लगने वाली ऊंची ऊंची हाई ग्रेड कंप्यूटर प्रोसेस जिसमें उनसे माइक्रो प्रोसेसर के साथ काम करते हैं और जो जटिलतम समस्याओं को तुरंत हल निकाल लेते हैं। इसी कंप्यूटर की क्षमता स्ट्रेंथ को कार आकलन प्रोसेसिंग स्पीड से लगाया जाता है। ठीक है, एक सुपर कंप्यूटर का निष्पादन क्षमता वर्क परफॉर्मेंस पे किया जाता है। ठीक है, इसमें गीगा फ्लॉप टेरा फ्लॉप पेटा फ्लॉप जैसी इकाइयाँ होती हैं। सबसे ऊँची पेटा फ्लॉप होती है, प्रति सेकंड अरबों गणनाएँ कर सकते हैं, इसलिए इन्हें सुपर कंप्यूटर कहा जाता है, जिसमें से कुछ भी गणनाएँ बड़े पैमाने पर करने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे मौसम की, न्यूक्लियर वेपन की, क्वांटम फिजिक्स की, केमिकल कंपाउंड्स की, तो अध्ययन आदि सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। क्या आप जानते हैं 3500 मिही के अनुसार भारतीय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजिकल पुणे में, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज ऑफ वेदर फोरकास्ट नोएडा में स्थापित करने वाले सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, परम सिद्धि टॉप है। ठीक है, कंप्यूटर की आवश्यकता क्यों है, नीड फॉर कंप्यूटर, अति आवश्यक हो गया है कि रेलवे मंत्रालय अनुसंधान सेंटर अपने बहुयातात उपयोग किए जाने पर दैनिक कि कुछ कार्य ऐसे कि जिसके हमें कंप्यूटर का उपयोग करना पड़ता है अथवा कंप्यूटर को मिलने वाली सूचनाएं निर्भर डिपेंड करती हैं। अलग अलग संस्थाओं में अलग अलग कार्यों के अलग अलग प्रकार आकार कंप्यूटर इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। कंप्यूटर की उपयोगिता क्या है, तो पता ही है सबको क्या है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। वर्किंग कैपेसिटी ज़्यादा है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, ह्यूमन इंटरफेरेंस कम है, कम एरिया में ज़्यादा
ज़्यादा रख सकते हैं, ठीक है, प्लेसेस अलग अलग रख सकते हैं, अलग अलग जगह ले जा सकते हैं, तो अलग अलग कार्य करवा सकते हैं। जैसे एजुकेशन फील्ड में भी हैं, बहुत अच्छी तरीके से इंफॉर्मेशन दे सकता है, हर फील्ड में आजकल यूज़ करने लगे, जो भी फील्ड का हो उसमें यूज़ होता है कंप्यूटर। देख लेते हैं तो क्या है तीसरी पीढ़ी में विकास। तो सी लेवल, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का विकास हुआ, ठीक है। चौथी पीढ़ी में VLSI माइक्रो प्रोसेसर हुआ। VLSI क्या है, एक प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता है हाई लेवल लैंग्वेज का। लैपटॉप और पाम टॉप का निर्माण कब हुआ, चौथी पीढ़ी में, फोर्थ जनरेशन में। इंटरनेट का विस्तार कब हुआ, पाँचवीं पीढ़ी, फिफ्थ जनरेशन में हुआ, ठीक है। विस्तार खोज तो पहले हो गई थी, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है, जावा हो गई, वी नेट की शुरुआत कौन सी पीढ़ी में हुई, फिफ्थ। सीडी रोम फिफ्थ में। परम 1000 कब हुआ, 1998 में, ठीक है। भारत का जो परम, सॉरी 1000 नहीं 10000, सबसे पहले गणना यंत्र अबेकस का आविष्कार कहाँ पे हुआ था, जैसे बेबी लोइन में हुआ था, लेकिन सही से जो कह रहा था वो चीन ने किया था। भारत ने, भारत का पहला ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर कौन सा है, ट्रेफिक, टी फेरिक, 1960। ULSI माइक्रो प्रोसेसर आधारित कौन सा है, पाँचवीं पीढ़ी, फिफ्थ जनरेशन में। चौथी पीढ़ी कंप्यूटर निर्माण का उपयोग सूक्ष्म संधारित्य, और प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का उपकरण यूनिवेक और एनीवेक, ठीक है, यूनिवेक और एनीवेक। तब हम अगला टॉपिक कंप्यूटर की पीढ़ियाँ पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जुड़े रहें। दिस इज असलम खान साइनिंग आउट। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट एनी डाउट। थैंक यू।